नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड राज्य से राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के अस्पतालों में कोरोना का इलाज के लिए भर्ती हुए आधे से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसी के साथ मंगलवार को राज्य में रिकवरी रेट 50% से अधिक हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के अस्पतालों में कोरोना का इलाज करने के लिए भर्ती हुए आधे से अधिक मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। इसके साथ ही मंगलवार को राज्य का रिकवरी रेट भी 50% से अधिक पहुंच गया है। राज्य में कोरोना के अभी तक 1488 मरीज मिले हैं। इनमें से 749 मरीज अभी तक पूरी तरह ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए हैं, जबकि 719 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। राज्य में पिछले 20 दिनों में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ गया है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में मरीजों के ठीक होने की गति बढ़ने के बाद अब 50% से अधिक मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, राज्य में मंगलवार को अस्पतालों से कुल 35 मरीज ठीक होकर घर गए हैं, जिसमें से देहरादून से 27, चमोली से 7 और उत्तरकाशी जिले का एक मरीज शामिल है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि मंगलवार को राज्य का रिकवरी रेट 50% से अधिक हो गया है। प्रवासियों की वापसी के बाद राज्य का रिकवरी रेट लगातार गिर रहा था, लेकिन अब मरीजों के ठीक होने से इनमें सुधार आ रहा है। बता दें, राज्य में अभी तक सबसे अधिक मरीज नैनीताल में ठीक हुए हैं। नैनीताल के अस्पतालों में इलाज के बाद अभी तक 216 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि देहरादून से 139, टिहरी से 98 और यूएस नगर से 63 और अल्मोड़ा से 62 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। हालांकि राज्य में मरीजों के ठीक होने की सबसे अधिक दर नैनीताल जिले में है। टिहरी जिला भी इस मामले में काफी आगे है। आपको बता दें, राज्य में कोरोना के सबसे अधिक मरीज देहरादून जिले के अस्पतालों में है। दून में अभी तक 382 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 139 डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 229 मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। नैनीताल में कुल 328 मरीज मिले हैं, जबकि टिहरी में कुल मरीजों का आंकड़ा 192 हो गया है। हालांकि इनमें से 98 ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। नमस्कार।